our topic is we are going to learn how to write small alphabet P to Z. Okay, so we all already know that how to write capital letters, है ना? So let's start with P. So P का sound क्या होता है? P. P का sound क्या होता है? P. And how do we write capital P? Simply we make a standing line from first red line to second blue line, and then we make a curve from red line to first blue line. This is capital P, right? Capital P. Now हम लोग small P कैसे लिखेंगे? Small P हम लिखेंगे from blue line. Okay? We start from first blue line. We make a standing line till red line. थोड़ा नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ से ब्लू लाइन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करते हुए वी मेक अ कर्व फ्रॉम फर्स्ट ब्लू लाइन टू सेकेंड ब्लू लाइन. दिस इज स्मॉल पी. ओके, पी फॉर पैरट. प प पैरट. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर पी कौन सा लेटर आता है? आफ्टर पी लेटर क्यू. कौन सा लेटर आता है? क्यू. और क्यू का साउंड क्या होता है? क्वा. क्वा. क्यू का साउंड क्या होता है? क्वा. सो वी ऑल नो हाउ टू राइट क्यू. सी, वी मेक अ कर्व फ्रॉम रेड लाइन टू सेकेंड ब्लू लाइन एंड अगेन कम टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर स्टार्ट एंड द स्लैंटिंग लाइन. अब हम लोग स्मॉल क्यू लिखना सीखेंगे. स्मॉल क्यू कैसे लिखते हैं? सी, वी मेक अ कर्व फ्रॉम फर्स्ट ब्लू लाइन टू सेकेंड ब्लू लाइन. हम एक कर्व करेंगे, देन वी कम अप फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड एंड देन हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे रेड लाइन पर, राइट? एंड देन वी मेक अ स्लैंटिंग लाइन कहां तक? सेकेंड ब्लू लाइन तक. दिस इज स्मॉल क्यू. ओके, क्यू फॉर क्वीन. क्वक क्वक क्वीन. क्यू फॉर क्वीन. क्वक क्वक क्वीन. ओके, सो नाउ आफ्टर क्यू कौन सा लेटर आता है? पी क्यू आर, राइट? कौन सा लेटर आता है? आर. सो कैपिटल आर हम कैसे लिखते हैं? वी मेक अ स्टैंडिंग लाइन एंड देन वी मेक अ कर्व फ्रॉम रेड लाइन टू फर्स्ट ब्लू लाइन. ओके, एंड देन हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन बनाते हैं. दिस इज कैपिटल आर, राइट? अब हमें लिखना है स्मॉल आर. हाउ डू वी राइट स्मॉल आर? माई डियर स्टूडेंट, स्मॉल आर इज वेरी इजी. वी ऑल नो स्मॉल आर जो होता है ना, वो सिर्फ ब्लू लाइन में लिखना होता है. वी डोंट टच टू रेड लाइन. ओके, स्मॉल आर के लिए हम रेड लाइन को टच नहीं करेंगे. सो हाउ डू वी राइट स्मॉल आर? सिंपली वी मेक अ स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम फर्स्ट ब्लू लाइन टू सेकेंड ब्लू लाइन एंड देन वी कम अप एंड मेक अ स्मॉल कर्व. दिस इज स्मॉल आर. ओके, स्मॉल आर. सो आर का साउंड क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? आर का साउंड होता है र. आर का साउंड क्या होता है? र. र र रैट. र र रैट. ओके, सो नाउ हमने अब क्या क्या सीखा? पी क्यू आर, देन आर के बाद में कौन सा लेटर आएगा? आफ्टर आर विच लेटर विल कम ओवर देयर? पी क्यू आर एस. ओके, सो सी हाउ टू बी राइट कैपिटल एस. हमें सबको पता है ना, हम लोग रेड लाइन से स्टार्ट करेंगे. वी मेक अ कर्व एंड देन अगेन वी मेक अ अपोजिट कर्व. दिस इज कैपिटल एस, राइट? ये कौन सा लेटर है? कैपिटल एस. तो अब हमें लिखना है स्मॉल एस. अगेन स्मॉल एस जो होता है ना माय डियर स्टूडेंट, इट कम्स इनटू ब्लू लाइन. हमें रेड लाइन को टच नहीं करना है. ओके, सो हाउ डू वी राइट स्मॉल एस? सिंपली वी मेक अ राइट कर्व फ्रॉम फर्स्ट ब्लू लाइन टू सेकेंड ब्लू लाइन एंड देन पेंसिल उठाना नहीं है, ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद लेफ्ट कर्व. दिस इज स्मॉल एस. एस फॉर सन. एस का साउंड क्या होता है? स. एस का साउंड क्या होता है? स. स स सन. स स सन. सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कहां तक पढ़ा?
हाउ टू राइट कैपिटल एंड स्मॉल ए से एस तक हमारा हो चुका है राइट एस। अब एस के बाद में कौन सा लेटर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर एस कौन सा लेटर आता है टी, कौन सा लेटर आता है टी, है ना। तो फिर हम टी कैसे लिखेंगे, हमें सबको पता है कैपिटल टी बहुत ही इजी है, सिंपली वी मेक अ स्लीपिंग लाइन और रेड लाइन, है ना। हम लोग रेड लाइन पे स्लीपिंग लाइन बनाएंगे एंड देन वी मेक अ स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम रेड लाइन टू सेकेंड ब्लू लाइन, दिस इज कैपिटल टी। ओके, अब हमें लिखना है स्मॉल टी, सो हाउ टू वी राइट अ स्मॉल टी, सो सी सिंपली मेक अ स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम फर्स्ट रेड लाइन टू सेकेंड ब्लू लाइन एंड देन विल मेक अ स्मॉल कर्व। ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक अ स्मॉल लिटिल स्लीपिंग लाइन ऑन फर्स्ट ब्लू लाइन। ओके, दिस इज स्मॉल टी। ओके, टी का साउंड क्या होता है, ट ट टाइगर, ट ट टाइगर। ओके, टी हमने क्या सीखा, स्मॉल अल्फाबेट टी राइट। टी के बाद में क्या आएगा, टी के बाद में एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी देन यू, है ना। तो फिर हाउ डू वी राइट कैपिटल यू, विल मेक अ स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम रेड लाइन टू सेकेंड ब्लू लाइन, देन विल मेक अ कर्व एंड अगेन कम अप विद स्टैंडिंग लाइन टिल रेड लाइन। ठीक है, ये है कैपिटल यू राइट, कैपिटल यू। अब हमें लिखना है स्मॉल यू, स्मॉल यू भी बहुत इजी है। हाउ टू वी राइट स्मॉल यू, वी यूज ओनली ब्लू लाइन्स। ओके, स्मॉल यू हमें सिर्फ ब्लू लाइन में लिखना है, ठीक है, नीड नॉट टू टच एनी ऑफ रेड लाइन। सो हाउ टू वी राइट स्मॉल यू, सिंपली वी मेक अ स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम फर्स्ट ब्लू लाइन टू सेकेंड ब्लू लाइन, देन वी मेक अ कर्व एंड देन अगेन कम अप एंड अगेन स्टैंडिंग लाइन करना है और यहाँ पर छोटा सा कर्व करना है, दिस इज स्मॉल यू। ओके, स्मॉल यू, यू का साउंड क्या होता है अ, यू का साउंड क्या होता है अ, अ अ अम्ब्रेला, है ना। यू का साउंड क्या होता है अ, अ अ अम्ब्रेला। ओके, सो टी यू एंड देन कौन सा लेटर आएगा वी, कौन सा लेटर आएगा वी। सो वी तो बहुत इजी है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है वी लिखना, है ना। सिंपली वी मेक अ स्लैंटिंग लाइन फ्रॉम फर्स्ट रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक हमें स्लैंटिंग लाइन बनाना है, डाउन एंड देन अप स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, ये हुआ कैपिटल वी। ओके, कौन सा लेटर है ये, कैपिटल वी। सो नाउ स्मॉल वी कैसे लिखना है, सिमिलर वे है लिखने का, बस हमें ब्लू लाइन में ही लिखना है राइट। सो सिंपली वी मेक अ स्लैंटिंग लाइन डाउन एंड देन अगेन अप। ओके, दिस इज स्मॉल वी। ओके, अब वी का साउंड क्या होता है व, वी का साउंड क्या होता है व, व व वैन, वी का साउंड क्या होता है व, व व वैन। ओके, सो नेक्स्ट नाउ पी यू वी एंड देन विच लेटर विल कम अप हियर, यस डब्ल्यू, कौन सा लेटर आएगा डब्ल्यू। सो सी हाउ टू बी राइट कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू में भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। सी कैपिटल डब्ल्यू हमें कैसे लिखना है, रेड लाइन से हमें स्टार्ट करना है, विल कम डाउन देन अप, यहाँ रेड लाइन तक जाना है, ब्लू पे स्टॉप नहीं होना है, रेड लाइन तक जाना है देन डाउन एंड देन अगेन अप, दिस इज कैपिटल डब्ल्यू। ओके, ये क्या है कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, अब हमें लिखना है स्मॉल डब्ल्यू, अगेन नीड नॉट टू टच रेड लाइन। ओके, रेड लाइन को हम टच नहीं करेंगे, हमें लिखना है स्मॉल डब्ल्यू इन बिटवीन ओनली ब्लू लाइन्स। ओके, सो हाउ टू वी राइट स्मॉल डब्ल्यू, सिंपली वी मेक अ स्टैंडिंग लाइन डाउन देन अप स्लैंटिंग लाइन डाउन स्लैंटिंग लाइन एंड अगेन अप, दिस इज स्मॉल डब्ल्यू। ओके, स्मॉल डब्ल्यू, डब्ल्यू का साउंड क्या होता है आप सबको पता है व, डब्ल्यू का साउंड क्या होता है व, व व वॉटर, व व वॉटर, डब्ल्यू का साउंड होता है व, व व वॉटर। ओके, सो अब डब्ल्यू के बाद में कौन सा लेटर आएगा, चलो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ना लाइन में एक बार बोल लेते हैं तो उसमें
अगर कभी ऐसा होता है अगला लेटर कौन सा ये हमें पता नहीं चलता है तो हमें क्या करना होता है बेटा, पूरी राइट बोलना है, तो उससे हमें वो जो अगला जो लेटर है, जो नेक्स्ट लेटर है ना, वो इजीली पता चल जाता है। ठीक है, चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू देन एक्स, राइट, एक्स कौन सा लेटर आएगा, एक्स। तो फिर अब देखो हम लिखेंगे कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स हम कैसे लिखते हैं, ग्रे लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे। ठीक है, एंड देन अब एक्स में क्या होता है, हमें हमारी पेंसिल उठानी होती है। ठीक है, एक स्लैंटिंग लाइन बनाई एंड देन हम अभी स्टार्ट करेंगे ग्रे लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक दूसरी वाली स्लैंटिंग लाइन। दिस इज कैपिटल एक्स। ओके, कैपिटल एक्स। अब स्मॉल एक्स कैसे लिखना है, इन बिटवीन ब्लू लाइन में सिमिलरली लिखना है, देन मेक अ स्लैंटिंग लाइन एंड देन अगेन मेक अनदर स्लैंटिंग लाइन, दिस इज कैपिटल एक्स। ओके, एंड दिस इज स्मॉल एक्स। सो एक्स जो होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसके दो साउंड होते हैं। ठीक है, एक्स फॉर आपने सुना होगा, एक्स फॉर ज़ाइलोफोन, मतलब इसका साउंड क्या हुआ, ज ज, एक्स का साउंड क्या हुआ, ज, एंड सेकेंड साउंड है एक्सरे, एक्स का साउंड क्या होता है, एक्स, है ना, एक्स के दो साउंड होते हैं, ये आपको रिमेम्बर करना है। ठीक है, एंड देन एक्स फॉर व्हाट, ज़ाइलोफोन, एक्स फॉर ज़ाइलोफोन, ज ज ज़ाइलोफोन, एंड देन सेकेंड साउंड क्या है, एक्स फॉर एक्सरे, एक्सरे, X for X-ray, X-ray, okay? So now after X, X के बाद में कौन सा लेटर आएगा, X, Y, okay? कौन सा लेटर आएगा, Y. So देखो how do we write capital Y? We make a slanting line from first ray line to first blue line, and then we make a another slanting line from first blue line to ray line. Okay? जैसे हमने अभी V लिखा था ना, V जैसे हमने लिखा है, बट कहाँ लिखा है, रेड लाइन से फर्स्ट ब्लू लाइन तक लिखा है। एंड नाउ वी मेक अ स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम फर्स्ट ब्लू लाइन टू सेकंड ब्लू लाइन, दिस इज कैपिटल Y। ये क्या है, कैपिटल Y। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल Y है ना, ये और भी ज्यादा इजी है। एक चीज आपको हमेशा रिमेम्बर करनी होगी, स्मॉल Y जो होता है ना, वो हमें ब्लू लाइन से रेड लाइन तक लिखना है। ठीक है, जो फर्स्ट ब्लू लाइन है ना, वहां से हमें रेड लाइन तक स्मॉल y लिखना होगा। सो कैसे लिखेंगे हम स्मॉल y, वी मेक अ स्लैंटिंग लाइन फ्रॉम फर्स्ट ब्लू लाइन टू सेकंड ब्लू लाइन, एंड देन अगेन हम लोग स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे फर्स्ट ब्लू लाइन से रेड लाइन तक। ठीक है, दिस इज स्मॉल y। ओके, दिस इज स्मॉल y, y फॉर yak, और y का साउंड क्या होता है, y, य, य, याक, य, य, याक, ओके, Y for याक, य, य, याक, now next and the last letter is Z, कौन सा लेटर है, Z, तो कैपिटल Z कैसे लिखेंगे, we'll make a sleeping line on red line, then we'll make a slanting line from first red line to कैपिटल Z। अब स्मॉल Z कैसे लिखना है, सेम वे में लिखना है, बट इन बिटवीन ब्लू लाइन में, हमें स्मॉल Z ब्लू लाइन में ही लिखना है। सो सी हाउ टू बी राइट स्मॉल Z, वी मेक अ स्लीपिंग लाइन एंड अगेन स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, दिस इज स्मॉल Z। Z का साउंड क्या होता है, ज, 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 ज़ेब्रा, Z, Z, zebra, Z for zebra, Z, Z, zebra. So, I hope my dear students, आप सबको how to write small alphabets अच्छे से पता चल गया होगा, है ना? So now, we'll meet in second session. Till then, bye bye my dear students.